ये है हार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हार्दिक के नेबुलाइजेशन प्रोसेस का सेकंड डे है। तो हम सुबह के 9:30 ही आ गए थे, तो हार्दिक का नेबुलाइजेशन प्रोसेस अभी चल रहा है। तो यहीं पे हमको आज 2-2.5 घंटे रुकना होगा, क्योंकि 3 बारी देना होगा हाफ एन आर गेट के बाद नेबुलाइजेशन। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो हार्दिक और मैं यहीं पे घूम रहे हैं, ये देखिए हार्दिक और मैं। सेकंड निमोलाइजेशन हाफ एन आवर के बाद होगा, तभी अभी 10-15 मिनट तो हो गए, तो कुछ देर बाद और। चलिए बने रहिए। मानो घर आसे फिलहाल घर आसे। तो हार्दिक का जब हार्ट कटा था ना एक बारी, तो इसी नर्सिंग होम के इसी हॉल में उसका ऑपरेशन हुआ था। हाथ उसका स्टिच यहीं पे हुआ था, उसको पूरी तरीके से बेहोश। ये है हार, देख सकते हैं घर बच्चा है शायद किसी का। यहाँ पे हुआ था उसका ऑपरेशन इसी घर में, मतलब इसी नर्सिंग होम में, इसी कमरे में हुआ था, इसी कमरे में। तो याद आ जाते हैं ना कभी कभी ये सब मेमोरीज, बुरी हो या अच्छी हो, है ना। अब नजर पहले हाँ पहले डॉक्टर घर पर रुकना है। तो हाफ एन आवर वेट करना होगा ना सेकंड निमोलाइजेशन के लिए। तो सेकंड टाइम का निमोलाइजेशन हो गया है गाइस। ये हार्दिक बोर हो रहा है एकदम से, और मैं तो बोर नहीं हो रही हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, मुझे सिर दर्द ऐसा कुछ लग रहा है, और बाल देखिए कैसे होके रखा है। और 1 टाइम का बाकी है, तो चलिए। तो गाइस, 3rd टाइम निमोलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम घूम के थक गए हैं। हाफ एन आवर हुए नहीं अभी तक, तो वेटिंग रूम में हम बैठ गए हैं। हार्दिक भी धूप में थोड़ा बहुत इधर उधर गया ना, तो इसको भी थकान आ गई। और मेरी तो आवाज़ से लग ही रहा होगा, सर्दी है, खांसी है, सिर दर्द है, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो गाइस, हाफ एन आवर हो गया, ये हार्दिक का 3rd और आज के लिए लास्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, चल रहा है। तो उसके बाद स्टेबलाइजेशन प्रोसेस 20 से 25 बजे तक होता है। तो अब आ गए, बट रस्ते में क्या हुआ था ना, मेरे पास था मेरे उधर बहना भूल गई थी जल्दी करने में, तो रस्ते में 12-12 बजे पुलिस दिख गया, ट्रैफिक पुलिस, तो अभी ने मुझे उतार दिया। नहीं तो पकड़ लेते चालान काटते, नहीं तो जेल जाना पड़ता। तो उतार दिया और उन लोगों को नहीं रोका, उस नदी के पास हेलमेट था और बच्चों को तो नहीं चाहिए हाथी को। तो मैं कभी जा रही हूँ बाइक को उतर के, ये देखिए बहुत जान थोड़ी बोले हार्दिक रुके हुए थे। तो घर पहुंच गई हूँ, घर पहुंचते ही मतलब अस्पताल के कपड़े सारे खोल खाल के हाथ मुँह धो के कपड़े धोने लग गई हूँ। हार्दिक के जो अस्पताल के कपड़े थे, मेरे जो थे, सब कुछ धो दे रही हूँ। अच्छा नहीं लगता अस्पताल के कपड़ों में ही रहूँ, या अस्पताल के कपड़ों को फिर से यूज़ करूँ, तो उसको धो देती हूँ हमेशा, और आज भी धो दिए। हार्दिक को हाथ मुँह धुलाने के बाद उसको मैंने अच्छे से अलग सारा कपड़ा पहना के बिठा दिया है। 1:05 हो गया, 1:05 हो गया, उसका कुछ खाने का मन था, तो मैंने इसको बिस्किट दे दिया, बाकी तो अभी फ्रूट्स वगैरह नहीं दे सकते ना। तो खाने के बाद वहाँ पे मैं लंच वगैरह भी रेडी हो गया है, लेकिन हार्दिक ने 1 बजे ही बिस्किट वगैरह खाए थे ना, तो अभी उसका भूख नहीं है, बोला कि थोड़ी देर बाद खाओगी तो इसीलिए खेलना के लिए उसने मुझे बोला कि मम्मी तुम भी मेरे साथ खेल लो। लेकिन मैं कंबल ले रही थी ना पैरों पे, तो उसको भी चाहिए था, इसलिए मुँह फुलाने लग गया था। तो थोड़े टाइम हम दोनों यहीं पे खेल लेते हैं। इसने मेडिसिन वगैरह लिया है ना, तो इसका तबीयत थोड़ा बेटर लग रहा है, और जब हार्दिक की तबीयत बेटर लगती है उसको, ये देखिए उसको कंबल ही चाहिए, उसके लिए जिद कर रहा है। मैंने कंबल लिया ना पैरों पे, तो उसको भी कंबल चाहिए
सॉरी गाइस, ऐसे ही मैं वॉइस ओवर करना पड़ेगा। मेरी खांसी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, बस मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ। देखिए उसको भी लास्ट में मेरे मुझे उसको कंबल देना ही पड़ा, और कुछ बातें कर रहा था मेरे साथ वो। और थोड़ा टाइम यहाँ पे हम दोनों खेल लेते हैं, लेकिन वीडियो में अच्छे से मैंने कैमरा को सेट नहीं किया, हार्डिक कैमरा में आया ही नहीं अच्छी तरीके से। देखिए हाफ ही आया है वो कैमरे में। तो गाइस लंच वगैरह मेरा हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। हार्डिक ने भी तो थोड़ा बहुत बिस्किट और पॉपकॉर्न वगैरह खा लिए थे। ये देखिए पूरा बात कर कर के वो खेल रहा था, तो चलिए बाद में बात करते हैं। हेलो आज हम कैच कैच खेल रहे हैं, है ना माँ? हाँ हम कैच कैच खेल रहे हैं आज। जिसका गिर जाता है वो ही ले आएगा, है ना माँ? हाँ जिसका बॉल गिरेगा, जो गिराएगा वही बॉल लेके आएगा। वो नहीं करेगी जो इंसान करता है, रॉक पेपर सीजर्स करके। हम नहीं करेंगे ऐसे, है ना माँ? हाँ है। तो हम शुरू करते हैं ये कैच कैच खेल का गेम। কেমন সাথে মানে লাগে গল্প হয়ে যাবো তাহলে সাথে গেলে अच्छा चल रहा है। अब बंद कर दो। हाँ बंद कर दो कैमरा तो बंद कर दो। ना जार पड़ी ले वीडियो ऑफ करें बाप हमारे जार पड़ी जाए तब तक ही ऑफ करें। तब से मैं भात खाम। हाँ मैं पापड़ भाजिम যার পড়ি যায় গে এতিয়া এক ভিডিও কৰোঁ দে, তাৰপিছতহে অফ কৰিম ভিডিও, তাৰপিছত আমি ভিডিও নকৰাকে খেলিম হ'ব হ'বনে? হ'ব কিন্তু ভাতটো ৰুকু গাইজ ৰুকু গাইজ আই পইচা গিয়া মানে तो 2:30 बजे मैं हार्डिक का लंच भी लेके आ गई। ये आलू की ग्रेवी बनाई है मैंने, बाकी कुछ नहीं बनाया, और साथ में पापड़ बनाया है। हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं था, चलिए खा लेते हैं फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, आज की वीडियो की एंडिंग की टाइम आ गया है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ऑलरेडी लंबा हो गया है शायद। खाना खा के हम दोनों ने खाया, हार्डिक को सुला दिया, ये सोना नहीं चाहता था बट मैंने सुला दिया है। कप सिरप एंटीबायोटिक्स ये सब ले रहा है ना, तो उसको पता नहीं है वो कितने टाइम खेलता रहता है, क्या कूदता रहता है, थकान फील नहीं कर पाता है सब टाइम। इसीलिए मैंने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती सुला दिया कि सो जा, क्योंकि इसको रात में तो 10-11 तक तो जागना है ही, उससे पहले सोता नहीं है। उसके पापा जब तो जब आते हैं मेरी खांसी
मेरा साथ नहीं सो रही है। तो तब तक पापा जब तक आते हैं तब से ये खेलने लग जाता है उनके साथ। तो मैंने उसको जोर जबरदस्ती खाना खाना तो अच्छे से खा लिया, बुखार वगैरह भी अभी नहीं है। और देखा ही आप लोगों ने आज के वीडियो में, मैं दिखाया कि हार्दिक को आज सेकेंड टाइम निबुलाइजेशन के लिए लेके गई। 3 दिन का निबुलाइजेशन प्रोसेस है इसका, तो कल भी सेम जाना है उसको लेके। आज ही की तरह 3 टाइम देना है ना, तो वहीं पे रुकती हूँ। और तो वहाँ पे भी दौड़ भाग की, थोड़ा सा थक गया, इधर उधर गया, फिर आके भी बहुत ज़्यादा खेला, मेरे साथ भी खेला है, देखा ही आप लोगों ने वीडियो में। फिर खाना अच्छे से खाया उसने, फिर मेडिसिन वगैरह खिला के मैंने इसको सुला दिया, ज़ोर ज़बरदस्ती सुला दिया। सोने का इसका मन नहीं था, बट इसको अपनी थकान के बारे में पता नहीं चलता सम टाइम, तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा तो अच्छा ही है ना। नींद रहता है इनमें, नींद तो भरपूर रहता है, बट खेलने के चक्कर में सोना नहीं चाहता। देखिए अभी कैसे गहरी नींद में सोया हुआ है। तो चलिए गाइज, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वैसे खांसी भी मुझे प्रॉब्लम करती है, ज़्यादा बातें करती रहूँ तो। हार्दिक को सोने देते हैं, मैं भी आराम कर लेती हूँ। अभी शाम के कितने बजे हैं, 7 बज गए होंगे। तो चलिए गाइज, होप कि आप सभी लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, कल मिलते हैं।